So hello my dear students, I am Jitendra Mahapatra. Welcome you all on my YouTube channel Jitu Physics. Aau aaj hi ame current electricity ra very very important topic discussion kora le jaucho seta hoti Kirchhoff's laws of electrical circuit. Okay? Aau jen tarika ame mane padhma KCL Kirchhoff's current law, okay? KVL Kirchhoff's voltage law. Okay, very very important topic regarding to CLC exam, okay? Don't miss this video. Okay? Watch completely, okay? If you like this video, then share with your friends. Okay. And in KCL and KVL, we will study a sign convention, significance of these two laws, explanation with example. Okay. उसके बाद हम लोग discussion करेंगे Western Bridge balance condition. उसके बाद numericals कुछ discussion करेंगे. तो आज का video पूरा मजेदार होने वाला है और pen और paper लेके बैठ जाइए और मेरे साथ note करना शुरू कर दीजिए. Okay. तो आइए शुरू करते हैं. और पहला टॉपिक जो है आज का वीडियो का वो है किर्चॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो किर्चॉफ्स जो साइंटिस्ट हैं वो दो तो लॉ दिए हैं जो कि है एक केसीएल और एक केवीएल है. तो व्हाट इज केसीएल एंड व्हाट इज केवीएल. ओके, तो फर्स्ट केसीएल दैट इज किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स करंट लॉ. ओके, उसको हम बोलते हैं केसीएल और किर्चॉफ्स फास्ट लॉ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? किर्चॉफ्स फास्ट लॉ. किर्चॉफ्स फास्ट लॉ मेरे साथ नोट करना शुरू कर दीजिए. ओके, और स्टेटमेंट लिखते हैं अभी स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट लिखते हैं. ओके, स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट the amount of current entering to the junction. पूरा क्लियरली अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करूंगा मैं. इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ करेंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करेंट leaving from the junction. That is, जितना आएगा उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे कम भी नहीं जाएगा. ओके, और क्या बोल सकते हैं करंट्स मीट एट ए पॉइंट और सम ऑफ ऑल द करंट्स लिखते हैं. अच्छा होगा, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो. एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो. ओके, मैं इस सेंटेंस को और एक बार लिखता हूं. ओके, algebraic sum of, it states that the algebraic sum of all the currents meet at a point is equal to zero. That is, we can write summation of I is equal to zero. Summation over I is equal to जीरो. तार माने कहना गोटे जंक्शन रे जेतकी करंट आसी थिबा आ जेतकी करंट जाई थिबा सबु के जदि हम मिसे दमा हेले टोटल केते हिजबा जीरो हिजबा कुछ. टोटल केते हिजबा जीरो हिजबा कुछ. ओके, तो आउ थ्रो स्टेटमेंट देखमा. इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन. जेतकी आसी थिबा हेतकी ही इक्वल अमाउंट रे सेरा जिबा, तार नु अधिका नहीं कि तार नु कम नहीं. ओके, और हमें कोई परमा इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीट एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो. ओके, इसकी के पहला नोट कर दियो. अबे हमें देखमा साइन कन्वेंशन. ओके, अबे हमें कहना देखमा साइन कन्वेंशन. ओके, तो कहा कहला स्टेटमेंट? इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ करंट लिविंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन करे भी चलवा, और द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग टू द जंक्शन. ओके, एबे हमें काना करमा साइन कन्वेंशन पढ़मा. काना पढ़मा? साइन कन्वेंशन.
साइन कन्वेनसनटा आमर इलेक्ट्रिकल सर्किट लगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट साइन कन्वेनसन जदि आमे साइन कन्वेनसन भल कर जानि गला जे सपोज मि कहू छ सपोज इटा गोटे पॉइंट अछे ई पॉइंट नके करंट आसु छे कण हो छे करंट आसु छे इन आई वन अमाउंट ऑफ करंट आसु छे इन आई टू अमाउंट ऑफ करंट आसु छे ओके जदि करंट एंट्री करथवा जदि करंट एंट्री करथवा हमारे पास अगर करंट आ रहा होगा तो उस करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव क्या लेंगे I1 is equal क्या लेंगे पॉजिटिव और यू कैन से I2 is equal क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे मतलब क्या है एंटरिंग करंट क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे अगर वहीं पे पॉइंट को छोड़ के जा रहा होगा पॉइंट को छोड़ के जा रहा होगा सपोज ये I3 है और सपोज ये I4 करंट अमाउंट है ओके ये O1 पॉइंट ले जा रहा हूँ जंक्शन ये O2 जंक्शन ले जा रहा हूँ तो जंक्शन से करंट दूर जा रहा है मतलब कि I3 को क्या लेंगे नेगेटिव लूंगा और I4 को भी क्या लूंगा नेगेटिव लूंगा मतलब कि लिविंग वाला करंट को क्या लूंगा मैं लिविंग वाला करंट को मैं लूंगा क्या लूंगा बोलो क्या लूंगा नेगेटिव लूंगा ये है साइन कन्वेंशन क्लियर पूरा साइन कन्वेंशन उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं उसका एक एग्जाम्पल जाते हैं ओके एक्सप्लेनेशन एक एक्सप्लेनेशन चलता हूं एक्सप्लेनेशन क्या है देखो अगर एक जंक्शन है और उस जंक्शन के तरफ अगर करंट ऐसे ब्रांचेस में बिखरा हुआ है इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है इधर से भी जा रहा है लेकिन इधर से आ रहा है ये है करंट I1 ये है I2 ये है I3 ये है I4 और ये है I5 ये है जंक्शन O1 ओके तो KCL अप्लाई करेंगे KCL क्या बोलता है जितना करंट आता है उन लोगों को पॉजिटिव लेंगे जितना करंट जा रहा है उन लोगों को नेगेटिव लेंगे और मिला के क्या कर देंगे इक्वल टू जीरो कर देंगे तो क्या लिखेंगे अभी समेशन ओवर आई इज इक्वल टू जीरो दैट इज नथिंग बट और वी कैन राइट समेशन ओवर आई मतलब कि एंटर कर रहा है I1 एंटर कर रहा है मतलब कि पॉजिटिव I2 एंटर कर रहा है मतलब कि पॉजिटिव और I5 एंटर कर रहा है मतलब कि पॉजिटिव माइनस I3 छोड़ के जा रहा है I4 छोड़ के जा रहा है हमें अकेला करके छोड़ के चले जा रहा है ओके तो यहाँ क्या करेंगे अभी I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू हम I3 प्लस I4 लिख पाएंगे कि नहीं बोलो मतलब कि अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट क्या लीविंग टू द जंक्शन अरे भाई वाह तो इससे क्या पता चलता है इससे यही पता चलता है कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आया होगा उतना अमाउंट ऑफ चार्ज बिखरेगा है कि नहीं क्या घर से लाके देगा क्या जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आया होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज बिखरेगा मतलब इट इज बेस्ड ऑन KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओके इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओके जितना आएगा उतना जाएगा उसके घर से लाके नहीं देगा ओके उसके बाद KVL KVL क्या बोलता है KVL Kirchhoff's voltage law ओके तो देखते हैं Kirchhoff's voltage law क्या बोल रहे हैं KVL तो ये है Kirchhoff's का सेकेंड लॉ ओके Kirchhoff's सेकेंड लॉ भी हम बोलते हैं और उसको बोलते हैं Kirchhoff's voltage law क्या बोलते हैं Kirchhoff's voltage law और voltage law में क्या बोलते हैं it states that in any closed loop the sum of emf is equal to the sum of product of current and resistance
इन दैट क्लोज लूप, इन दैट लूप लिखने से भी चलेगा. ओके तो क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज लूप द सम ऑफ ईएमएफ, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस. ओके यही है हमारा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ. क्लियर हुआ कि नहीं? और एक स्टेटमेंट है मैं लिख रहा हूं अभी, इट स्टेट दैट इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो. ओके उसको लिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ओके और क्या बोल रहे हैं, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस ओके ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या, जीरो. दैट इज समेशन ऑफ भी इज इक्वल टू जीरो. ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं. ओके ये वाला एक जो बोलोगे सोनिया नहीं जो बोलोगे वो करेक्ट होगा. ओके तो क्या बोला पहला वाला, इट स्टेट दैट इन एनी क्लोज लूप द सम ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके जितना भी बैटरी लगा होगा उसका टोटल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन दैट क्लोज लूप. दैट इज समेशन ओवर ई इज इक्वल टू समेशन ओवर आई इंटू आर. क्लियर? ओके और क्या बोल रहा है, इट स्टेट दैट इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा मतलब कि ईएमएफ को मिलाकर भी, ईएमएफ और तुम्हारा करंट एंड रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके जितना भी होगा सबको मिला के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. वही तो बोल रहा है. क्लियर? ओके तो अभी क्या करेंगे, अभी हम साइन कन्वेंशन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके तो साइन कन्वेंशन, ऐसे साइन कन्वेंशन बता दूंगा कि तुम लोगों पर जिंदगी भर भूलना नहीं है. ओके और वीडियो को कंप्लीट करना है, पहला बात खुद से प्रमिस करना है कि नहीं मैं वीडियो को स्टार्ट किया हूं तो कंप्लीट भी करूंगा. तो साइन कन्वेंशन केवीएल, साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल. ओके फर्स्ट पॉइंट. ओके अगर रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और हम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा उसको लेंगे प्लस आईआर. उसको क्या लेंगे? प्लस आईआर. समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रिकल सर्किट है भैया, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस तो होंगे ही. अगर रेजिस्टेंस है तो उनमें से करंट फ्लो करके चले जाएगा. अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा और उसी डायरेक्शन में हम लोग अगर मूव कर रहे हैं तो उसी उसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेंगे? बी इज इक्वल टू आईआर. और उसको क्या लेंगे? प्लस आईआर लेंगे. तो अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस को हम लेंगे माइनस आईआर. क्या लेंगे? माइनस आईआर. बहुत अच्छा. और पोटेंशियल ईएमएफ की बात करते हैं और ये है ईएमएफ. ओके तो ईएमएफ क्या, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से अगर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ईएमएफ को लिखेंगे क्या? नेगेटिव लिखेंगे, माइनस ई लिखेंगे. क्या लिखेंगे? माइनस ई. देखो बहुत अच्छा, बहुत इजी है. ईएमएफ की अगर बैटरी की हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्रॉस करके कहां पे आ गए? नेगेटिव पे. तो नेगेटिव होगा भैया. ओके तो उल्टा, उसका उल्टा वाला क्या होगा बोलो? उसका उल्टा वाला अगर हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव को क्रॉस करके पॉजिटिव पे आ गए तो क्या लेंगे? ईएमएफ को लेंगे पॉजिटिव. ओके देखो ठीक से हुआ कि नहीं?
रेजिस्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहे हैं और हम भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो पोटेंशियल को लेंगे प्लस आई आर, क्लियर। इसी का तो सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर रहे थे केवीएल में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो रेजिस्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहे हैं और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल को लेंगे माइनस आई आर, नेगेटिव लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि हमें ईएमएफ रो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आड़े मूव कर छु, देखो हिंदी ओडिया सब सब मिक्स सब ऑफमलपुरी भी मिक्स सब। ओके, तो ओके, यदि ईएमएफ रो हमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आड़े मूव कर छु तो सही ईएमएफ को कौन नबा, नेगेटिव नबा। ओके, पॉजिटिव को छाड़ी करी हमें नेगेटिव आड़े जाऊ छु तो नेगेटिव नबा। ओके, यदि हमें ईएमएफ रो यदि बैटरी रो हमें नेगेटिव टर्मिनल रो पॉजिटिव टर्मिनल को मूव कर छु, यदि नेगेटिव टर्मिनल रो पॉजिटिव टर्मिनल को मूव कर छु तो सेटा का नबा, पॉजिटिव नबा। बुझि पारु छ कि नहीं, क्लियर छ माने, नोट कर जाओ पूरा। ओके, बहुत बढ़िया, तो ये नोट कर दियो। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़मा, हमर हमें तक एक्सप्लेनेशन करमा। ओके, गुड, इलेक्ट्रिकल सर्किट बने करमी तक एक्सप्लेनेशन करबी, तो तुम तक नोट कर दियो, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊ छी। ओके ओके, इटा हमर पाखे इलेक्ट्रिकल सर्किट अछे। ओके, ई इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें का करमा, केवीएल अप्लाई करमा, जेने कि ना दे छे। ओके, ना दे दे छे। ओके, ना दे दम, आई मीन नेमिंग करमा ए। ओके, आ ओटा दे छे बी, बाप रे। ओके, इटा सी, पूरा डॉक करू जे, इटा डी। ओके, इटा ओटे पॉइंट, इटा ओटे जंक्शन, इटा ओटे जंक्शन, ओके इटा ओटे जंक्शन, चारटा जंक्शन अछे नि के। ओके, आमे काना करमा, पहिले केसीएल अप्लाई करमा। केसीएल अप्लाई करले काना हबो, कहतो पिला माने करंट के डिस्ट्रीब्यूट करमा केन रजिस्टर रे केते केते अछे। ओके, मु इन आरंभ करू छे, सपोज इन करंट डिस्ट्रीब्यूट अछे आई1 सपोज। ओके, ई माने ई वायर रे आई1 करंट फ्लो करछे तो इटा भी आई1 ही हबो, यस और नो, इटा भी आई1 हबो। देखो इन के आई1 करंट फ्लो करछे, इन के आई1 करंट पहुंचिला, ई एखन दुईटा वायर बाहरी छे, यस और नो, एखन याडे तो फ्लो करबा ना। सपोज याडे गला आई2, केते गला याडे आई2 सपोज, हेले याडे केते जा पिले, याडे के आई1 टोटल आसी छे, याडे को आई2 जाई छे, आ केते मात्रा तार पाखे, यस टेल मी, आई1 माइनस आई2, यस और नो। ओके, बहुत बढ़िया, तो ई आई1 माइनस आई2 टा कंटिन्यू हबा इठाने, आ इठाने भी केते हबा आई1 माइनस आई2, इठाने केते हबा आई2, तो आई1 माइनस आई2 आ आई2 मिसि कि इठाने एखन दुटा पहुंचली इठाने के, इठाने उठन के बाहर पे एखन दुटा मिसि कि, तो आई1 माइनस आई2 प्लस आई2 केते गला माइनस आई2 प्लस आई2 कैंसिल गला, आई1 रहला कि नहीं, देखो बुझि पछ कि नहीं, केनता केसीएल अप्लाई कर माटे, केसीएल अप्लाई करिक मि करी छे, जितना आएगा उतना जाएगा। ओके बच्चों, तो अभी हम केसीएल केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केवीएल इन द लूप ए बी सी ए, ए बी सी ए, क्लोज लूप लेना है, क्लोज लूप लेना है। मैं अभी बता रहा हूँ केवीएल हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये सीखने के बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट अप्लाई केवीएल इन द लूप, इन द लूप ए बी सी ए, ए रु बी को जीवा, तापर बी रु सी को जीवा, तापर सी रु ए को जीवा। ओके, तो प्रथम हमें कौन करवा, टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करिबा, टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करिकि सम करिबा, इज इक्वल टू टोटल आईआर करिबा। ओके, तो हमें देखिबा प्रथमे ए रु बी को ईएमएफ पछि ना नहीं, ए रु बी को गला बले ईएमएफ पछि, देखो हमें पॉजिटिव रु कोड जाउ छै, नेगेटिव को जाउ छै ना नहीं, पॉजिटिव रु नेगेटिव को जाउ छै ना नहीं, तो ईएमएफ कोन नबा, कहो ईएमएफ नबा माइनस ई1 नबा, हो ना नहीं कहो। ओके, बी रु सी को आसला बले को नहीं ईएमएफ, हां सी रु ए को आसला बले को आउट ईएमएफ पछि, माइनस रु प्लस अछि माने प्लस लिखिबा, प्लस ई4 इज इक्वल टू काम खत्म। तापर पुणी ए रु बी को जीवा, ए रु बी रे रेजिस्टेंस अछि नै नै अछि, केते रेजिस्टेंस अछि आर1, केते करंट फ्लो करछि आई1, तो कोन लिखबा, आमे करंट जुआडे फ्लो करछि आमे भी साइड मूव करछि, तो कोन लिखबा प्लस आईआर, काना लिखमा प्लस आई आर1 लिखमा, सॉरी आई1 आर1 लिखि दू, ठीक अछि, बहुत बड़े आई1 आई1 आर1। ओके, तापर बी रु सी के एलन के भी रेजिस्टेंस अछि आ करंट भी फ्लो करछि आई1, तो केते लिखमा प्लस आई1 आर2, कानी के आमे जनाडे जाउछु सेडे करंट फ्लो करछि, यस और नो, तापर एखन इयाडे भी जाउछु बोले करंट इयाडे जाउछे, ठीक अछि, किंतु रेजिस्टेंस निनो, तो एतकी हे गेला, त हम ए बी सी ए क्लोज लूप रे हमें केवीएल अप्लाई करछु, एंता लेखि परमा हमें, बुझी पारु छ कि नहीं। एबे आउट एग्जांपल करछु, आ तीन तीन नंबर एग्जांपल, तीन नंबर टे मैं तुमको छाड़ी देबी, तुम्हें मते बताबो। ओके, तो अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, 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 केवीएल इन द लूप, इन द लूप क्लोज लूप, काना नामा ए सी डी एन ए, अच्छा ए डी सी एन ले किछ असुविधा छ कि, ए डी सी एन, ठीक अछि, ए डी सी ए, ए रु डी को जीवा, डी रु सी को जीवा, सी रु ए को जीवा,
এবে আমি লিখবা প্রথমে কোন ইএমএফ কোন কোন আছে এ রু ডি কো আসলে কি ইএমএফ আছে না নাই এ রু ডি কো আসলে কি ইএমএফ আছে ই3 আছে তো সেটা কোড়ে কোড়ে আছে এ রু ডি কো আমি তলকু বল হচ্ছে এ রু ডি আড়ু যাচ্ছে তো মাইনাস রু প্লাস মানে আমি কোন লিখিবি প্লাস ই3 লিখিবা না নাই কো ওকে তারপরে ডি রু সি কো গলা কো আছে মাইনাস রু প্লাস পুনি প্লাস লিখিবি ই2 আছে তারপরে সি রু এ কো আসলে কো আছে আছে প্লাস ই4 লিখিবা হ্যাঁ না নাই কো ই সরি ই4 সরি 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 এক্সট্রিমলি সরি ই4 ওকে ইজ ইকুয়াল টু দে দবা তারপরে এনা কোন লিখিবা রেজিস্ট্যান্স স্রোত দেখি লিখিবা তো এ রু ডি কো গলা কো রেজিস্ট্যান্স নাহি ডি রু সি কো গলা কো রেজিস্ট্যান্স আছে কিন্তু আমি কারেন্ট র অপোজিট ডিরেকশন ফ্লো করুছি না নাই তো এই কারেন্ট কো মু কোন নেবি মাইনাস আই1 মাইনাস আই2 নেবি মাইনাস টা আগে লাগাইবি রেজিস্ট্যান্স কত আছে রেজিস্ট্যান্স আর3 আছে মাল্টিপ্লাই কর দো এটা হলো পটেনশিয়াল হ্যাঁ নাই কো তারপরে সি রু এক গলা কো নাহি কিছি আর লিখিবানি কিছি কেভিএল কেনতি অ্যাপ্লাই করা হউছি বুঝি পারছ না নাই এবে মু তোমা মানক পাই টাস্ক দউছি এ বি সি ডি এ এ বি সি ডি এ এটা তুমি মতে নিজে কমেন্ট সেকশনে করিকি জানাইবো অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই কেভিএল ইন দ্য লুপ এ বি সি ডি এ এ রু বি কু যিবো বি রু সি কু যিবো সি রু ডি কু ডি রু এ কু যিবো আউ কেভিএল অ্যাপ্লাই করিকি সমেশন অফ ই ইজ ইকুয়াল সমেশন অফ আই আর করিকি মতে লিখিকি জানাইবো ओके जदि तुम कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणे आबो तुमको जदि माने असुविधा लागो छि त ए फोन नंबर रे तुम व्हाट्सएप रे लिखि परबो 7684075737 ए फोन नंबर व्हाट्सएप रे मते लिखि कि तुम माने जणे परबो यार आंसर क्लियर बुझि पालो ना नै को ओके बहुत बढ़िया त एठी तुम नोट टा कर दियो तो माय डियर स्टूडेंट्स अच्छा तो समझते पड़ जाय ना ओके तो आम ए पढ़ा डेरिवेशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन ओके इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर सीएचएससी काउंसिल एग्जाम ओके तो मन ध्यान दे कि सुनो एटा मु किछि करनी एटा किछि माने बड़ कथा न हो मु कोन नै छी गुडे स्क्वायर लूप रो इलेक्ट्रिकल सर्किट नै छी गुडे स्क्वायर लूप रो इलेक्ट्रिकल सर्किट नै छी गोटे डायगोनल रे गुडे गाल्वनोमीटर लगै छी गोटे डायगोनल माने एक्रॉस रे गुडे गाल्वनोमीटर लगै छी आ आरो डायगोनल एक्रॉस रे मु गुडे बैटरी कनेक्शन करछी कोन करछी बुझिबो भलो करी गुडे स्क्वायर लूप रो मु इलेक्ट्रिकल सर्किट गुडे नै जाइ छी ता देहरे मु चारटा आर्म रे मु चारटा रेजिस्टर कनेक्ट करछी एक्चुअली वेटस्टोन ब्रिज आमे काई की पढिबा ना अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करबा इलेक्ट्रिकल सर्किट रे अननोन रेजिस्टेंस आमे कैलकुलेट करि पारिबा सेइते मु वेटस्टोन ब्रिज आमे पढिबा ओके ता पई कंडीशन कोन से डिराइव करबा बुझ पारलो तो पी क्यू आर एस मोर चारटा रेजिस्टर पी क्यू आर एस मोर चारटा रेजिस्टर चारटा आर्म माने गोटे स्क्वायर रो चारटा आर्म रो चारटा जको रेजिस्टर को मु कनेक्ट कर देछि गोटे डायगोनल एक्रॉस रे मु गोटे गाल्वनोमीटर लगाई छि आउ गोटे डायगोनल एक्रॉस रे मु कोन करछि गोटे बैटरी कनेक्शन करछि ओके चार ठो रेजिस्टेंस लिए हैं स्क्वायर के चार चार उसके जो साइड्स हैं चारों साइड्स पर एक एक रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं और एक डायगोनल के थ्रू एक गाल्वनोमीटर कनेक्ट किए हैं और दूसरे डायगोनल जो है उसके एक्रॉस में एक बैटरी कनेक्शन किए हैं और एक की दे दी है की ऑन करेंगे तो बैटरी काम करेगा की ऑन नहीं करेंगे तो बैटरी काम नहीं करेगा करंट फ्लो नहीं करेगा ओके तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे केसीएल अप्लाई करूंगा पहले पहले क्या करूंगा केसीएल अप्लाई करूंगा ओके केसीएल केसीएल अप्लाई करने का मतलब क्या है कि किस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमको पता चलता है क्या पता चलता है किस रजिस्टर्स के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमको पता चलता है ओके तो आइए शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले करंट के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ ओके रेड मार्कर तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा सपोज करंट आई निकल रहा है टोटल करंट ओके तो इधर से करंट जा रहा है सपोज आई वन कितना करंट जा रहा है आई वन तो इधर करंट आई वन फ्लो कर रहा है ओके वेरी नाइस तो इधर इधर करंट फ्लो करेगा आई जी सपोज गाल्वनोमीटर थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है आई जी तो यहाँ आई वन जा रहा था यहां से आई जी निकल गया है अभी ऑलरेडी तो यहाँ कितना होगा आई वन माइनस आई जी होगा कि नहीं बोलो ओके तो यहां से आई करंट जा रहा था यहाँ आई वन करंट चला गया है तो इधर कितना जाएगा आई माइनस आई वन जाएगा कि नहीं बोलो यस यहाँ आई जी आ रहा है यहाँ आई माइनस आई वन आ रहा है यहाँ आई जी आ रहा है यहाँ आई यहाँ से आई माइनस आई वन आ रहा है तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों यहाँ से कितना जाएगा आई माइनस आई वन प्लस आई जी जाएगा कि नहीं ऑब्वियस भी जाएगा ओके तो यहाँ से आई वन माइनस आई जी आ रहा है यहाँ से आई वन माइनस आई जी आ रहा है यहाँ से आई माइनस आई वन प्लस आई जी जा रहा है तो यहाँ से कितना निकलेगा आई निकलेगा
दोनों को मिला देंगे तो प्लस आई वन माइनस आई वन कैंसिल, प्लस आई जी माइनस आई जी कैंसिल, तो कितना बचा, आई बचा ना, आई बचा, इधर से भी तो आई गया था, इधर से भी आई ही निकलेगा। वो समझ रहे हो कि नहीं, कैसे किया, पहले यहां से आई वन आई टोटल करंट फ्लो कर रहा है, यहां से आई वन करंट फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर के थ्रू, तो इस रजिस्टर के थ्रू कितना जाएगा, आई माइनस आई वन जाएगा। यहां से सपोज आई जी करंट आ रहा है तो यहां कितना जाएगा, आई वन माइनस आई जी आएगा, और यहां से आई माइनस आई वन आ रहा है, यहां से आई जी आ रहा है, मिला के कितना जाएगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और यहां से आई माइनस आई वन प्लस आई जी आ रहा है, यहां से आई वन माइनस आई जी आ रहा है, टोटल कितना आएगा, आई आएगा। क्लियर, अभी हम केवीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल अप्लाई करने के बाद तुरंत ही केवीएल अप्लाई करके दो ठो इक्वेशन निकालेंगे, उस दो ठो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, काम खत्म। ओके, तो आर यू रेडी फॉर अप्लाइंग केवीएल? ओके, सो हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे अभी। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए मैं ए बी डी ए, ए बी डी ए क्लोज लूप है तो अप्लाई, अच्छा ये तो कर चुके हैं अभी, तो अभी 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 क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। अच्छा केवीएल क्या, किस में अप्लाई करेंगे, ए बी डी ए क्लोज लूप में, तो अप्लाई केवीएल इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप कहां पे, ए बी डी ए पे, ए से बी के तरफ जाएंगे, बी से डी के तरफ जाएंगे, डी से ए के तरफ जाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे। सो आर यू रेडी गाइस? ओके, ए से बी के तरफ जाएंगे, ए से बी के तरफ जाएंगे तो आई वन पी लिखेंगे, ओके आई वन पी, बी से डी के तरफ जाएंगे, बी से डी के तरफ जाएंगे आई जी आर जी लिखेंगे, तो प्लस लिखेंगे आई जी आर जी, ओके कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। डी से ए के तरफ जाएंगे करंट के अपोजिट डिरेक्शन में, तो मैं यहां लिखूंगा आई माइनस आई वन, उसके आगे माइनस लिखूंगा, इनटू रेजिस्टेंस कितना है एस, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को कितना लिखूंगा, जीरो लिखूंगा कि नहीं, पहले पढ़े थे कि नहीं, टोटल सम ऑफ, ये टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल कितना लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, तो आई वन पी आई जी आर जी माइनस आई माइनस आई वन इंटू एस, क्योंकि उसके ऑपोजिट में हम लोग जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर वन। ओके, अभी हम अप्लाई करेंगे केवीएल बी सी डी बी, ओके बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी के सी, बी से सी के तरफ, सी से डी के तरफ, डी के डी से बी के तरफ हम चल पड़ेंगे, चलने के बाद क्या मिलेगा, बी से सी, बी से सी मतलब कि जिधर करंट जा रहा है हम लोग उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, क्यू पी क्यू आर एस, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू लिया गया हूं, हाँ वैल्यू लिया हूं, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, ओके फिर सी से डी की तरफ आएंगे मतलब कि इसके ऑपोजिट में, तो माइनस डाल दूंगा, करंट कितना आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आर, ओके फिर डी से बी के तरफ मतलब की ऑपोजिट आई जी आर जी इक्वल टू जीरो, ये है क्वेश्चन नंबर टू। समझ में आया कि नहीं बोलो, बात क्लियर समझ में, ओके वेरी नाइस। अभी हम क्या करेंगे देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन के लिए हम मन ही मन मान लेंगे, देखो ये गैल्वेनोमीटर जो लगाए हैं वो काम क्या कर रहे हैं, वो यही काम कर रहा है कि इधर जो करंट आ रहा है ये डिफ्लेक्शन बताएगा, ओके छोटा सा छोटा वैल्यू ऑफ करंट को ये डिफ्लेक्शन करके बताएगा कि हाँ इधर भाई करंट आ रहा है तुम थोड़ा सतर्क रह जाओ। लेकिन अब ये जब डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा उसका मतलब है करंट वहां पे नहीं जा रहा है, करंट का वैल्यू जीरो है। मान लेते हैं कि इधर से कुछ भी करंट नहीं आ रहा है मतलब कि डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो आई जी का वैल्यू कितना लेंगे, मान लेते हैं कि आई जी का वैल्यू जीरो है, आई जी का वैल्यू जीरो है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, दैट इज नोन एज बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आई जी पुट करने के बाद इक्वेशन वन और इक्वेशन टू क्या होते हैं देखते हैं, ओके अभी क्या पुट करेंगे, आई जी इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो पहला बैलेंस कंडीशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, आई जी का वैल्यू जीरो है, ओके ठीक बहुत बढ़िया। तो यहां पे पुट करेंगे, यहां पे आई जी नहीं है तो मतलब कि लिख देता हूं आई वन पी, यहां पे आई जी है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहां पे आई जी नहीं है तो माइनस आई वन इंटू एस इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस इक्वेशन नंबर थ्री। समझ में आया कि नहीं बोलो भैया, ओके
समझ में तो आ रहा है सर, आप पढ़ाते वक्त तो समझ में आता है लेकिन उसके बाद तो कुछ भी नहीं घुसता है हमारे दिमाग में। प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इसीलिए प्रैक्टिस करते तो ये नौबत नहीं आता। नौबत ओके बहुत बढ़िया। अभी इससे आईजी पुट करेंगे, तो यहाँ पे आईजी है तो यहाँ पे आईजी का वैल्यू जीरो कर देंगे और यहाँ पे आईजी का वैल्यू जीरो कर देंगे और इसको जीरो कर देंगे तो क्या मिला भाई लोग, I1 into Q ओके माइनस है तो I माइनस I1 into कितना लिखेंगे R, ये तो IG का वैल्यू जीरो हो गया और ये टर्म तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं और यहाँ पे भी सजा के लिख देते हैं I1 Q इज इक्वल टू I माइनस I1 into R, ये है इक्वेशन नंबर 4। अभी इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद तो मजा आएगा। टिंग 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 दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। ओके इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। ओके वी गेट सो हियर I1Q ओके I1P डिवाइडेड बाय I1 Q is equal to this divided by this, so I minus I1 into S divided by I minus I1 into R, तो क्या दिख रहा है, ओहो कैंसिल हो जाएगा भाई लोग। अभी कैंसिल होने के बाद रिजल्ट तो आ जाएगा। ओके सो हियर वी गो फॉर द बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटसन ब्रिज, दैट इज P by Q is equal to S by R। ओके ये आ गया, देखो P by Q is equal to S by R, P by Q is equal to S by R, okay? तो P by Q is equal to S by R भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं बोलो, P by S is equal to Q by R, P by S is equal to Q by R, P by S is equal to Q by R भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, P by S is equal to Q by R और P by Q is equal to S by R भी लिख सकते हैं, क्लियर ओके। और क्या लिख सकते हैं देखो तो PR ओके PR इज इक्वल टू SQ भी लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू SQ और QS भी लिख सकते हैं। ओके तो ये रहा तुम लोगों का वेटसन ब्रिज बैलेंस कंडीशन, और वेटसन ब्रिज बैलेंस कंडीशन अगर ये रेशियो समान, ये रेशियो इक्वल हो गया तो हमको क्या करना है, यहां से इस वेयर को बाहर निकाल देना है। तो ये रेशियो, ये अगर वेयर को बाहर निकाल दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब कि ये दोनों अभी सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों पैरेलल में हैं। तो नेट रेजिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बैलेंस कंडीशन में हो तो, नहीं होगा तब भी हम कैलकुलेट करेंगे, अगर होगा तो इस तरीके से आसान हो जाएगा, हम आराम से कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे जितना भी क्यों ना रेजिस्टेंस हो अगर ये दोनों बैलेंस हो गए, ये जो रेशियो लिखा हो जो बैलेंस होगा, बाप रे बाप ये तो इससे कर दिया। ओके मैं सिंपली पी क्यू आर एस लिखा हूं, पी क्यू आर एस ऐसा था ना, ओके बाप रे कितना तो ज्यादा। ओके तो ये जो बैलेंस कंडीशन है, ये बैलेंस कंडीशन अगर हो जाएगा तो इधर से जितना भी रेजिस्टेंस होगा करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे बीच वाले को, ये दोनों को सीरीज लेंगे, ये दोनों को सीरीज लेंगे और दोनों को आपस में पैरेलल लेंगे, काम खत्म। तो ये था आप लोगों का किरचॉफ्स लॉज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। तो तुम लोगों को अभी मैं एक न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं, न्यूमेरिकल कराने के बाद तुम लोगों के लिए मैं एक न्यूमेरिकल छोड़ूंगा, तुम लोग मुझे उसका वैल्यू बता के कमेंट सेक्शन में बताना। ओके सो आर यू रेडी गाइस, तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूं। तो ये एक प्रॉब्लम दिया गया है और बोला गया है कि फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी। ओके तो ये दोनों के बीच में हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ये चार रेजिस्टेंस तुम लोगों को दिया गया, पांच रेजिस्टेंस तुम लोगों को दिया गया है और यहां पे हमको क्या चेक करना है, वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं, अगर होगा तो ये वाला को कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे जितना भी क्यों ना रेजिस्टेंस हो ये वाला को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके तो आइए पहला वो चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम लिए थे पी
क्यू और यहाँ लेते आर, एस लेते, तो पी बाय क्यू मतलब कि 5/10, तो क्या हो रहा है 1/2 हो रहा है। पी बाय क्यू का वैल्यू कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है। और आइए देखते हैं एस बाय आर कितना होता है, एस बाय आर 1/2 हो रहा है। मतलब कि ये वाला जितना रेशियो है ये वाला भी उतना ही रेशियो है। मतलब कि ये सर्किट क्या है, वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तो मैं ये बीच वाले को कंसिडर नहीं करूंगा। तो ये बन जाएगा मेरे लिए, देखो अभी क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये बी, ये ए, ये 5 दिया गया था, ये 10 दिया गया था, 1 और 2 दिया गया। अभी इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, देखो तो ये वाला दो, ये दो क्या हो जाएंगे, ये दो सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा 10 और 5 कितना हो गया 15 ओम हो गया, और ये दोनों नीचे वाला कितना हो गया 3 ओम, और यहाँ पे बी यहाँ पे ए, तो ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना लिखते हैं आर ए बी इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 3 / 15+3, तो 15 × 3 45/18, तो ये हो गया कितना 2.5 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके अगर सिंपली ये दिया रहता और ये तो ठीक है, ये ठीक है, और ऐसे दिया रहता तो कितना होता बोलो, सॉरी ये नहीं, अगर ये दिया और ये 50 ओम, तो कैसे करते हम, ये दोनों को 15 करते हैं, ये दोनों को 3 करते हैं, फिर इसके साथ ये तीनों को 5 करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, लेकिन यहाँ पे ये दोनों रेशियो सेम है, देखो यहाँ से भी रेशियो सेम होते हैं 5/1 5 10/2 5 × 2 10 10 × 1 इक्वल होता है। ओके तो आज का लेक्चर वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा मुझे बताना, और तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे करके बताना इसके जगह पर तुम लोग 15 10 ठीक है, और यहाँ भी 3 15 3 10 2 और मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ, क्लियर। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मीटर बीच। ओके तब तक के लिए टाटा बाय।